तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिनाइड है, इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट ऑफ लॉ। ठीक, तो होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर, लॉन्ग वायर, ऐसे लॉन्ग वायर वाउंड, ठीक है ना, ऐसे वाउंड किया जाता है इन फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, स्प्रिंग जैसे इसमें होता है, ठीक है ना, जैसे स्प्रिंग होती है वैसे ये क्या होता है, हेलिक्स फॉर्म में। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस जो इनर कोर होता है या तो इसमें भरते हैं हम कोई मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, या ऐसे एयर रखते हैं। ठीक, तो ये कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी के साथ, सो दैट करंट फ्लोस थ्रू इट, ठीक है, स्टेडी करंट आई फ्लोस थ्रू इट। ठीक है, इनसाइड दिस अ फील्ड इज वेरी स्ट्रांग यूनिफॉर्म फील्ड इज जनरेटेड, वो हम बता देंगे कैसे। ईच नेबरिंग क्वाइल इज ऑलमोस्ट, ईच क्वाइल इज ऑलमोस्ट अ सर्कल, ठीक, सर्क्यूलर, एंड ईच दीज आर वाउंड टाइटली वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, इनपे इनेमल किया जाता है ताकि ये इंसुलेटेड रहे और साथ साथ ये होती है, ठीक है ना। नाउ अब जब करंट इसमें पास होती है, ठीक, तो क्या होता है, अब देखिए, अब करंट अगर पास होगी तो वो यहां से आएगी ऐसे, ठीक, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे इन जाएगी, आउट आएगी ऐसे, ठीक, तो ऐसे करके ये पूरे एंड तक ऐसे चली जाएगी डायरेक्शन में, ठीक है ना। और यहां से ये करंट आए वापस आएगी, ठीक है। नाउ हमें पता है कि एक जो इसका ये लूप है इट इज अ सर्कल, ठीक है ना, सर्कुलर करंट लूप, करंट इसमें भी है, हर एक लूप में करंट है, तो इट इज अ सर्कुलर करंट लूप। तो आपको पता है अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है ऐसे, जिसमें करंट ऐसे गुजर रही है, सर्कुलेट कर रही है ऐसे, ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहां पर वो होता है किसके बराबर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर इसी जो हमने कैलकुलेट किया था वो किया था हमने एक लूप में, वो किया था हमने बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई बाई टू आर, ठीक है ना। व्हाट आर इज द रेडियस ऑफ दिस लूप, ठीक है, एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, म्यू जीरो इज द परमिएबिलिटी, क्योंकि सारी चीज कॉन्स्टेंट है, देयरफोर जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्वाइल जो पास होता है इट इज ऑलमोस्ट दिस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स अ पैरेलल फील्ड ऐसे, ठीक, यूनिफॉर्म फील्ड ऐसे होता है। देखिए अगर इसमें फील्ड यहां पर देखेंगे हम फील्ड कैसे जनरेट होगा, देखिए राइट हैंड थम रूल, हम पाम्स को अगर ऐसे फिंगर्स ऑफ हैंड ऐसे कर्ल करेंगे जो थम की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी थम की, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे सर्कुलेट होगा यहां पर, ठीक, तो ऐसे, तो यहां ऐसे, यहां पर भी ऐसे ही, ठीक, सर्कुलेट होगा, लेकिन जो सेंटर वाले लूप होंगे वो ऐसे बड़े बड़े होते जाएंगे ऐसे, ये एक्सिस है ऐसे ऐसे, तो बीच में जो है सेंटर ऑफ द क्वाइल ये क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं, क्योंकि लूप बड़ा होता है तो उसमें से जो पोर्शन होता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, सो सेंटर में क्या होता है ये पैरेलल फील्ड और स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दैट इज अ पैरेलल फील्ड और स्ट्रांग फील्ड बनता है। अब देखिए जो क्वाइल है सॉलिनाइड, ये बहुत सारी, ये जो सर्कुलर लूप्स है ऑलमोस्ट सर्कुलर लूप्स है वो साथ साथ हैं, तो अगर मिसाल के तौर पर ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक, इसमें से अगर फील्ड यहां से मतलब करंट बह रही है, ठीक है ना, तो करंट इसमें आ रही, ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैंने अभी बताया ऐसे पैरेलल होगा, फिर यहां से डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं एक लूप इसके नजदीक ले आऊं, इतना ही बड़ा लूप, ठीक है ना, सर्कुलर लूप, तो उसमें भी करंट क्या सेंटर से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहेगा, तो आगे जाके फिर से ऐसे हो जाएगा पैरेलल, फिर साथ लगाएंगे दूसरा तो ये पैरेलल हो जाएगा, तो जब ये निकलेगा बाहर लास्ट वाले लूप से तो फिर ऐसे घूम के, ठीक है ना, ऐसे घूम के बाहर चला जाएगा, तो विद इन दिस सॉलिनाइड फील्ड विल बी पैरेलल, दैट इज इट विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है ना। अब देखिए फिर से, अगर ये फ्रंट पोर्शन ऑफ द दिस सॉलिनाइड की एक एक वायर है ना, ठीक है, ऐसे कर्ल होती है, दो चार में बनाता हूं, समझो जो ये एक और बनाते हैं,
अब देखिए समझो करंट ऐसे आ रही है, हमने इसको यहां से ज्वाइन किया है, करंट ऐसे आ रही है तो इस वायर में ऐसे आएगी, इस वायर में ऐसे आएगी, इस वायर में ऐसे आएगी, इसमें से तो ये क्या है हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो आपको पता है अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है तो करंट अगर इस डायरेक्शन में आई तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलेट होगा एज पर राइट हैंड थंब रूल, यानी थंब को करो डायरेक्शन ऑफ द करंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कर्ल होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द दिस कर्लिंग फिंगर्स, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए यहां करंट बाहर आ रही है तो ऐसे बाहर आ रही है, ठीक डॉट दिखाया मैंने, तो जो एज पर राइट हैंड थंब रूल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलेट करेगा इन एंटी क्लॉक वाइज। देखिये यहां पर करंट अंदर जा रही है तो इसको क्रॉस से दिखाएंगे तो एज पर राइट हैंड थंब रूल यहां पर क्या होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक वाइज, ठीक क्लॉक वाइज होगा, ठीक है ना। इसी तरह से इस वायर में भी ऐसे ही होगा, ठीक इन टू हिट यहां पर बाहर आएगा, यहां पर बाहर आएगा, ठीक डॉट से दिखाया अंदर क्रॉस से यहां डॉट इन आउट, यहां पर क्रॉस इन, ठीक है सॉइल नाइट की वायर है, ठीक है ना। तो यहां आउट यहां इन तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट होगा इसमें ऐसे, यहां पर ऐसे सर्कुलेट होगा, ठीक है यहां क्लॉक यहां एंटी क्लॉक ऐसे, ठीक है ना। इसी तरह से यहां इस डायरेक्शन में यहां भी क्लॉक वाइज, यहां भी क्लॉक ये क्रॉस, ठीक है तो यहां एंटी क्लॉक वाइज, यहां एंटी क्लॉक वाइज, यहां एंटी क्लॉक वाइज। अब चूंकि एक ही सर्कल नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड फिर यहां इसके गिर्द एक और लूप आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का लूप थोड़ा कॉइल से और दूर फिर ऐसे, ठीक ठीक है ना। तो इसमें भी बाहर ऐसे ऐसे एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। तो यहां अगर हम दिखाएंगे यहां क्लॉक वाइज, यहां क्लॉक वाइज, यहां क्लॉक वाइज, ठीक है ना, यहां क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज, ठीक। अब ये जब और दायरे जब हम कंडक्टर से दूर दूर जाएंगे ये जो सर्कल है बड़े हो जाएंगे तो ये जो इनका मैग्नेटिक फील्ड वो इंटरफेयर करेगा आपस में तो वेक्टोरली एड हो जाएंगे तो ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक। तो सर्कुलेट कैसे होता है ये इस डायरेक्शन में, ठीक तो ये भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक ऐसे तो फिर ऐसे सॉइल नाइट के अंदर, ठीक ठीक है ना। इसी तरह से यहां का भी यहां ऐसे आ रहा है, ठीक तो ये भी वेक्टोरली एड हो जाएंगे, ऐसे आएगा इनटू दिस सोलेनाइड एंड आउट ऑफ दिस सोलेनाइड, ठीक है। फिर एक और बढ़ेगा तो ऐसे लूप आएंगे, ऐसे फिर बाहर, इसी तरह से और लूप भी यहां ओ सॉरी ऐसे लूप और भी बाहर आ जाएंगे, इसी तरह से यहां पर भी ऐसे होगा, यहां से भी लोग इनटू दिस आएंगे। ये समझ लीजिए एक्सिस ऑफ सोलेनाइड, ठीक है ना। तो यहां बाहर ये ऐसे बाहर, ठीक है तो ये ऐसे आ रहे हैं और भी आएंगे ऐसे अंदर, यहां पर भी और भी जो लूप आएंगे वो अंदर। लेकिन देखिए यहां पर पहले बाहर देखेंगे, यहां पर जो बाहर है ये क्या जाता है, यहां वाला एंटी क्लॉक वाइज, यहां वाला क्लॉक वाइज, तो बाहर दो फील्ड से जो अपोजिट एक डायरेक्शन में तो ऑलमोस्ट जीरो होता है आउटसाइड द सोलेनाइड। अब यहां पर सारे ऐड हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहां एक्सिस के इस डायरेक्शन में ये अपनी तरफ जाता है यहां, तो विद इन द सोलेनाइड एक यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट होता है, ठीक है ना। नाउ इस चीज को हम छोटे इस तरीके से भी दिखाएंगे। देखिए इनसाइड जो हमें दिखता है वैसे समझो सोलेनाइड है तो इसमें फील्ड क्या है एक यूनिफॉर्म है, ठीक समझो ये एक और बनाते हैं, ठीक तो ये आपकी एक्सिस है सोलेनाइड की। अब विद इन दिस हम ढूंढना चाहते हैं कि फील्ड क्या है, ठीक। तो अब देखिए हम एक पॉइंट देते हैं यहां पर पी, जरूरी नहीं एक्सिस पर ही हो, पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है ना, किसी भी जगह पैरेलल टू द एक्सिस एक पॉइंट पी। तो अब हम अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे हम, वो हम एक एम्फेरियन लूप बनाएंगे, ठीक। तो लेट अस सपोज दैट एक एम्फेरियन लूप जो इसको पास करेगा इज इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, ऐसे ए बी सी डी, ठीक है ना। तो इसमें हम करंट कैसे ढूंढेंगे, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे ढूंढेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक। तो इसमें कैसे ढूंढेंगे हम एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है ना। एज्यूमिंग दैट दिस ये जो सोलेनाइड है इट हैज एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना।
ठीक है ना, यूनिट लेंथ को अगर हमें पता होंगे होगा तो हम सारे के टर्म्स हम निकाल सकते हैं. सो यूनिट लेंथ, सो एल assuming that unit length is h, so total number will be n l to h, ठीक है ना, total number of turns will be n into h, ठीक है ना. अब हमें क्या करना है, इसमें फील्ड ढूंढना है. तो पहले एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे. नाउ देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ, वी नो दैट एम्पियर सर्किटल लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्लोज, ठीक है ना, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू जीरो आई. व्हाट इज आई, आई इज द टोटल करंट विच पासेस, इसको सम कभी सम सिग्मा आई भी लिखते हैं, कोई आई एनक्लोज भी लिखता है, आई इफेक्टिव भी लिखता है, तो उससे में टोटल करंट इसमें जीरो पास हो रही है, ठीक है ना. अब बी डॉट डी एल, देखिए करंट अब कितनी पास होती है, हम इसको यहां पर लिखेंगे सम ऑफ द करंट सिग्मा. तो सम ऑफ द करंट क्या है, हमारे पास जो सॉलिनॉइड है उसकी कितनी टर्न्स है, एन, ठीक है ना. तो एक टर्म में अगर आई करंट है तो एन टर्म्स के टोटल करंट क्या होगी, एन आई. तो ये थोड़ा सा यहां मॉडिफाई सिग्मा आई के बारे में लिखूंगा, बी डॉट डी एल म्यू जीरो टोटल नंबर ऑफ टर्न एंड ईच टर्म प्रोड्यूसिंग अ करंट थ्रू इट पास द करंट आई. नाउ डी एल जो है, देखिए ये जो हमारा लूप है ये चार का बना है, ए बी बी सी सी डी सी डी एंड डी ए, ठीक है ना. तो ये जो इंटीग्रल है इसको चार इंटीग्रल में हम क्लोजर लाइन को क्लोजर इंटीग्रल चार इंटीग्रल में चेंज करेंगे, दैट इज इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ए टू बी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल बी टू सी बी डॉट डी एल यानी पूरे लूप को, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रल सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल डी टू ए बी डॉट डी एल. अब देखिए क्योंकि मैंने बताया आउटसाइड दिस जो फील्ड होता है बी जीरो होता है, ठीक है ना. तो जो लूप का हिस्सा ये है डी सी, तो यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो यहां बी जीरो है, ठीक, यहां बी आपका जीरो है. यहां देखिए, यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है, यूनिफॉर्म है, इस डायरेक्शन में बी है और ये जो लूप का हिस्सा है वो परपेंडिकुलर है, बी यहां पर परपेंडिकुलर है डीएल के, ठीक है ना. तो एंगल इनके दरमियान क्या होगा, 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, कॉस 90 विल बी जीरो. तो बचा ये, यहां बी भी इसी डायरेक्शन में और डीएल यानी ए बी भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना. सो दिस इंटेग्रल क्या बचा हमें, देखिए इंटेग्रल बी डॉट डीएल, देखिए ए टू बी, ठीक है ना, वो इन साइड द सोलिनाइड है, सो इट इज, तो एंगल जीरो है, सो इट विल बी बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो हमें वन है वो नहीं लिखना है. तो ये भी आपका जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, यहां एंगल 90 है, इसमें एंगल 90 है, 90 डिग्री, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, यहां पर भी कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, यहां पर तो है ही जीरो, बी ही जीरो है, ठीक है ना. तो ये सारे जीरो बन गए, तो बचा हमारे पास बी डी एल, बी एल निग्रेट करके डीएल को एल बनेगा. एल इज द लेंथ दैट हमने कितना लिया है, तो वो हमने लिया था एच, ठीक है ना, तो हमने लिया था एच. सो बी यूनिट लेंथ हमने कितनी लिखी थी, एच, सो बी एच इज इक्वल, इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, ठीक है ना. नाउ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन बाई एच इंटू आई, ठीक है ना. नाउ एन बाई एच नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ वो किसके बराबर होता है, एन. सो बी is equal to mu zero n i. This is the magnetic field produced inside the solenoid, ठीक है ना. B is equal to mu zero n i, ठीक है ना. This is the magnetic field produced inside the solenoid, ठीक है. अगर direction देखनी हो तो direction क्या है, डायरेक्शन ये आपकी करंट इस डायरेक्शन में, ये यहां पर इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक, वही वो कौन देखा, राइट हैंड थम रूल ऐसे, ये अगर थम है आपका, ये ऐसे, ये आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं, तो ये आपका देगा मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन, और ये क्या देगा, करंट ऐसे आई जो आ रही है उसकी डायरेक्शन. तो करंट किस डायरेक्शन में आ रही है, करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक, तो कर्ल कर रही है, तो ये हो गई, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा, ठीक है ना. तो ये आपका ये जो ये फ्रंट ये साइड बनेगा नॉर्थ पोल, ये बनेगा साउथ पोल, ठीक है ना. तो बिल्कुल जैसे बाहर मैग्नेट होता है वैसे वो हमें आगे जाके करना है. अब देखिए जब यहां पर देखिए जब बाहर आता है तो यहां पर ये यूनिफॉर्म नहीं रहता है, ठीक, यहां पैरेलल नहीं रहता, यहां ये डाइवर्ज होता है, ठीक है ना. तो जस्ट आउटसाइड एट, अगर हम इसका सेंटर माने एल से जीरो, यहां पर लिखेंगे माइनस एल बाई टू, यहां एल बाई टू, अगर टोटल इसकी लेंथ एल है सोलेनोइड की, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका आधा यहां पर भी होगा, ये जो हमने निकाला, और यहां पर भी जो इनसाइड सोलेनोइड है उसका आधा, यानी
आउटसाइड जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, ये ऐसे, ये जैसे सोलेनॉइड जस्ट आउटसाइड दिस, ये ऐसे, यहां तो सीधा होगा, तो यहां जस्ट आउटसाइड द एंड, ठीक है ना, ऑफ द सोलेनॉइड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो भी हमने किया था, ये आधा होगा, बी विल बी वन हाफ म्यू जीरो एन आई, ठीक है ना, आधा इसका होगा। और इसका अगर ग्राफ दिखाएं तो ऐसे होगा, देखिए ये बी अगर मैक्सिमम है तो यहां हम अगर हाफ ये एल बाई टू लेंगे यहां से और एल बाई टू लेंगे यहां से, यहां आधा होगा बी का, यहां पर बी मैक्सिमम होगा, यहां आधा होगा उसका, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफ दिखा दें इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये जो एक और एप्लीकेशन है इस एम्फियर सिलेंडर का, वो टोराइड है, टी ओ आर ओ आई डी, टोराइड। टोराइड क्या होता है, वो एंडलेस सोलेनॉइड होता है, एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड कहो या टोराइड, तो वो क्या होता है, वो टोराइड को हम बैंड कहते हैं। अगर ये टोराइड है, इसको अगर हम बैंड करेंगे इन फॉर सर्क्यूलर फॉर्म एंड टू एंड, तो ये बनेगा टोराइड ऐसे। ठीक है, कुछ अच्छी बनी, ठीक है, अब डायग्राम ऐसी बनी। तो ये इसमें से करंट, मिसाल के तौर पर करंट आई, स्टेडी करंट आई यहां से पास हो रही है, तो यहां से निकल रही है, ठीक। तो ये क्या होता है, ये सर्कुलर लूप ही होते हैं, ये आपस में क्लोज टू ईच अदर, ये इनेमल्ड होते हैं ताकि ये इंसुलेटेड रहे। तो इसकी नंबर ऑफ टर्न लेट से टोटल एन है, ठीक है ना। तो आपने ये पढ़ा इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फील्ड होता है वो भी स्ट्रांग होता है, ठीक, ये भी पैरेलल फील्ड बनता है, लेकिन इसमें क्लोज ये बनता है, ठीक है ना। इसमें जो वो एंड करेक्शन थी, जो मैंने कहा था कि सोलेनॉइड के जो एंड से जो फील्ड निकलता है वो जो मैग्नेटिक फील्ड का आधा होता है, जो इनसाइड होता है, ठीक है ना। तो यहां वो क्योंकि एंड नहीं है, ये एंडलेस है, तो इसलिए वो करेक्शन यहां खुद हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब देखिए मिसाल के तौर पर जब यहां से करंट आएगी तो वो यहां आएगी, तो यहां से बाहर आएगी, ठीक, यहां ऐसे, ठीक, ऐसे, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे, फिर बाहर, अंदर, ऐसे, फिर बाहर, फिर ऐसे, ऐसे होके यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से आएगी, फिर यहां से ये ऐसे, ठीक, तो ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे बाहर से अंदर, ऐसे बाहर, 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 ऐसे बाहर जाएगी, तो यहां से ये बाहर आएगी, ठीक है ना। तो ये करंट, अब चूंकि ये करंट लूप है हर एक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ठीक। तो वो कैसे करेंगे हम, ये जो है देखिए, ये जो टोराइड है इसमें अंदर एक, इनसाइड दिस टोराइड एक पॉइंट लेंगे, ठीक, विद इन दिस एक पॉइंट लेंगे, वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, और आउटसाइड इट, आउटसाइड द टोराइड हम ये पॉइंट लेंगे। तो अब क्या होगा, देखिए मिसाल के तौर पर लेट अस सी, पहले बनाएंगे इसका, देखो कैसे बनाएंगे। तो अभी मैंने बताया था आपको, देखिए हम तीन लूप लेंगे, एम्फेरियल लूप, एक तो होगा जो इसके बाहर आउटसाइड इस पॉइंट से पास होगा ऐसे गोल गोल, ठीक, दूसरा इनसाइड दिस, ठीक है ना। तो इस बाउंड्री, ये हो गया मसाल, ये आपकी ये है, तो इनसाइड दिस टोराइड, और दूसरा हो गया एक पॉइंट जो हम इनसाइड दिस, ठीक है ना, ये जो लूप है, ठीक है ना। अब ये हम इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे, ठीक। तो सिंपल तरीका क्या है, अब देखिए यहां पर, अब ने इसको, ये जो टोराइड है इसको हम ऐसी इस शक्ल में बनाएंगे। देखिए हमने तीन पॉइंट्स चुन लिए, आर, क्यू एंड पी। आर इज आउटसाइड दिस सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है, जो ग्रीन सॉलिड लाइन है ये, और ये सोलेनॉइड है, ठीक है ना। तो पी आउटसाइड द सोलेनॉइड,
और पॉइंट क्यू इनसाइड द सोलेनाइड एंड पॉइंट पी ये सोलेनाइड से बाहर लेकिन इंटीरियर में, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ऐसे ये अगर सोलेनाइड है, ठीक, इसके अंदर हमने एक चुन लिया, यहां पर एक और इसके बाहर एक, ठीक है ना। तो ये है, तो लेट अस सपोज दैट इसकी रेडियस जो पॉइंट आर है यहां सेंटर से यहां आर थ्री रेडियस है, ठीक है ना, ये पूरा दिखाई नहीं था, ठीक है ये चलेगा। तो यहां इसकी जो रेडियस है इट इज आर थ्री, तो आर से हमने एम्फेरल लूप डाल दिया, तो ये हो गया इसकी, नाउ इसी रेडियस हमने आर थ्री बता दी। नाउ इसमें जो करंट है, देखिए यहां पर हमने करंट जो सोलेनाइड ये जो टोराइड है ये डॉट्स वाले ये डॉट वाला जो सिंबल है यहां से करंट बाहर आ रही है और यहां अंदर जा रही है। सो अगर हम कोई लूप ना माने अंदर वाला बाकी कुछ ना, ये माने हम इसमें करंट आउट भी आ रही है और इन भी जा रही है। ऐसे अगर लूप है हमारा इसमें करंट इन सेम करंट इन और सेम करंट आउट जा रही है, तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो टोटल नेट करंट इन दिस लूप विल बी जीरो। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी विल बी जीरो, बिकॉज इसमें जो होगा बी इस लूप में बी डॉट डी एल विच विल बी इक्वल टू म्यू जीरो आई जो इसमें करंट होगी आई जो नेट करंट होगी, ठीक। तो यह बी डॉट एल क्या होता है बी डी एल, डी एल क्या हो गया टू पाई आर थ्री, क्यों इसकी जो L है सर्कमफेरेंस इसकी R3 रेडियस है ना टू का R3, म्यू जीरो तो है लेकिन I जीरो है, सो B विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक। अब नेक्स्ट ले लो ये वाला लूप जो अंदर में, इसमें कोई देखे यहां करंट इन है ये आउट है, ये आउट है यहां इन है, तो ये वाला जो लूप जिसकी रेडियस R बने जहां पॉइंट P एम्फेरल लूप है इसमें कोई करंट है ही नहीं, ठीक है ना बाहर जा रहे ना अंदर कोई इस लूप में करंट है ही नहीं, सो आई इस यहां पर आई क्या है जीरो। तो जब हम लगा देंगे एफेयर सेट कर लो बी डॉट डी एल वो क्या होगा म्यू जीरो आई, आई चूंकि जीरो है, ठीक, सो बी इंटू टू पाई आर टू होगा इसकी सर्कमफेरेंस, सो इट विल बी जीरो और बी विल बी इक्वल टू जीरो। अब रहा ये जो लूप है ये वाला, ठीक, विद इन दीज टू ग्रीन सॉलिड लाइन्स, ये क्या है विद इन द टोराइड है ये, ठीक है ना, विद इन द टोराइड जिसकी रेडियस हमने आर टू ली है, ठीक है ना। नाउ इसमें करंट देखिए ऐसे थ्रेड कर रही है इस लूप को, ठीक है ना, ऐसे आउट और इन, आउट और इन तो थ्रेड कर रही है, सो अगर हम तो इसमें एक करंट इंक्लूड होती है, ठीक है ना, क्यों ये जो पूरा इस करंट को ये जो है ये लूप इस करंट को थ्रेड करता है, करंट इसको थ्रेड करती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं एक लूप लूंगा ऐसे, सॉरी यहां लूंगा एक लूप, तो करंट ऐसे आ रही है और ऐसे चल रही, देखिए ऐसे, ठीक है ना, ऐसे में एक जोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है ना, तो वायर से ऐसे करंट आउट और यहां इन, ठीक है ना। तो अगर हम अपनी पॉम्स को करेंगे इसके इसके ऐसे यहां पर दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, देखिए यहां पर ऐसे करंट आउट आ रही है यहां से और यहां इन हो रही है, तो अगर मैं वो राइट हैंड रूल लगाऊंगा तो ये कर्ल्स अगर फिंगर करेंगे इस डायरेक्शन में तो हमारा थंब इस डायरेक्शन में ऐसे होगा राइट हैंड, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ये ऐसे नहीं यहां, एक वन मिनट, ये देखिए ये आउट आ रही है तो इन, तो जो जब हम राइट हैंड अपना इसमें कर्ल करेंगे तो ये ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी इस डायरेक्शन में होगा यहां, तो पूरा सर्कुलेट इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करेगा, ठीक है ना। तो अब रही जो बात इन अ लूप विद इन द सोलेनाइड, उसमें करंट थ्रेड करते हैं कितनी, अगर एक लूप की आई है तो टोटल, अगर इसमें एन लूप्स है तो टोटल करंट विल बी एन आई, ठीक। तो जब हम इसमें लॉ लगाएंगे तो लॉ क्या लगाएंगे, एम्फेयर सेट का लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन कैपिटल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई, ठीक है ना, करंट थ्रो ईच टर्न इज दैट इज आई। नाउ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू बी बी कॉस थीटा, क्योंकि डीएल भी इसी डायरेक्शन में और थीटा, सो थीटा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी, ये सॉरी ये ठीक है, डीएल भी इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में है, ठीक, मैंने बताया अभी राइट हैंड थंब रूल, तो उसके हिसाब से इसी डायरेक्शन में से, सो दैट विल टू पाई आर टू, क्योंकि हमने इसकी रेडियस टू पाई आर टू ली है, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन डी एल एंड बी जीरो, सो कॉस जीरो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां म्यू जीरो एन आई, ठीक। तो b किसके बराबर निकलेगा, म्यू जीरो एन बाय टू पाई आर टू, या जनरली हम इसको r लिखते हैं, ठीक है ना, इंटू आई। नाउ n यहां पर लिखूंगा n बाय टू पाई आर टू, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंगे, क्योंकि इसकी जो एम्फेरल रूल विद इन द टोराइड है उसकी लेंगे क्या है,
टू पाई आर की सर्कमफेरेंस, सो इसको हम एन भी लिख सकते हैं। तो जब इसको लिखेंगे सो म्यू जीरो विल बी म्यू दिस बी विल बी म्यू जीरो एन आई, वही जो सोलनाइड बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, फील स्ट्रांगर है ठीक, और इसमें वो एंड करेक्शन नहीं रहती है। लेकिन ये जो असल में जो तार है इसमें वाउंड वाइंड की जाती है, वो देखिए वो सर्कुलर नहीं होते, असल में हेलिक्स जैसी होते हैं, हेलिकल फॉर्म में, ऐसे हेलिकल फॉर्म में होती है। तो वो जो आउटसाइड होता है वी वो जीरो नहीं होता है, थोड़ा बहुत वीक फील्ड बाहर होता है टॉराइड के बाहर, ठीक है ना, बात समझ में आए ओके।